हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रीत्स गार्डन। फ्रेंड्स, अभी चल रहा है दिसंबर और ये बहुत अच्छा टाइम होता है विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को घर लाने का। और उन्हीं में से एक है, देखिए ये पेंजी का प्लांट, और देखिए कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है। वैसे आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम किसी प्लांट के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कोकोपीट के बारे में। और आपको बताऊंगी मैं कोकोपीट क्या होती है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके, और साथ में इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसको अपने गार्डन में यूज़ करें ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिले बिना किसी नुकसान के और आपके प्लांट्स ख़राब भी ना हों। क्योंकि कई बार हम गलत तरीके से कोकोपीट को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे प्लांट्स में देखिए फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो ये कोकोपीट होती है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह की ब्रिक फॉर्म में इसको तैयार किया जाता है। ये नारियल की जो छीलन होती है, जो कोकोनट हस्क होती है, उसको ब्रिक फॉर्म में तैयार किया जाता है इसको प्रोसेस करके, और फिर इसको ब्रिक के अकॉर्डिंग ये सेल होती है। तो ये आपको लूज़ फॉर्म में भी मिल जाती है फ्रेंड्स नर्सरीज में, लेकिन लूज़ फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो फ्रेंड्स ये आपको 150 रुपीज़, 200 रुपीज़, 250, इस तरह से काफ़ी प्राइसेस डिफरेंट प्राइसेस में मिल जाती है। नर्सरी से पहले मैं भी 150 रुपीज़ वाली लेकर आती थी फ्रेंड्स, लेकिन वो बहुत हार्ड होती थी और दूसरा उसमें मिट्टी का पार्ट बहुत ज़्यादा होता था। तो मैंने ये जब फर्स्ट टाइम दिल्ली सिंडर एंड फर्टिलाइज़र से मंगवाई तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी पोरस है ये और मिट्टी का कंटेंट भी इसमें बहुत कम है। तो मैं यही वाली मंगवाती हूँ। मैंने ये सेकंड टाइम ऑर्डर की थी दिल्ली सिंडर एंड फर्टिलाइज़र से, और ये मुझे 250 रुपीज़ की ब्रिक मिली है फ्रेंड्स, मुझे तो ये बहुत सही लगी। और अभी हम इसको वॉश करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह की नमक की डलियाँ निकलती हैं इसमें, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है इसको समुद्र के पानी में प्रोसेस किया जाता है, तो इसमें नमक का कंटेंट भी ऐड हो जाता है। तो जब हम इसको लूज़ फॉर्म में लाने के लिए इसको पानी में वॉश करते हैं तो जो नमक का कंटेंट होता है वो भी इसमें से निकल जाता है, और ये हमारे प्लांट में नुकसान नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ लोगों को देखा है वो कोकोपीट को काफ़ी बार वॉश करते हैं, बार बार वॉश करते हैं। तो देखिए मैं तो अपना बता सकती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो भी है, मैं इसको बार बार वॉश नहीं करती क्योंकि उससे पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है और पानी को हमें सेव करना चाहिए। तो मैं इसको वॉश करने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ करती हूँ। मैं इसको टब में डालकर और इसको बिल्कुल जो तेज़ गर्म पानी होता है उससे उसको टब को पूरा भर देती हूँ और उसको 7-8 घंटे के लिए ऐसे ही रख देती हूँ। तो पानी भी बाद में ठंडा हो जाता है, जब हमें इसको इस तरह से निचोड़ना होता है तब तक पानी भी ठीक नॉर्मल हो जाता है और कोकोपीट भी बहुत अच्छे से वॉश हो जाती है। उसको बार बार वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि गर्म पानी में नमक बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये फूल कर बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इस तरह से लूज़ फॉर्म में करके हम इसको बकेट में डालते रहेंगे और बाद में इसको मैं धूप में सुखा भी लूँगी। तो जो कोकोपीट होती है फ्रेंड्स इस तरह से, ये इसमें कोई फंगस वगैरह नहीं होती और ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत सही रहती है, और गार्डनिंग में इसको यूज़ करने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं फ्रेंड्स। उनके बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे घर छोटे छोटे हैं लेकिन हमारा गार्डनिंग का शौक़ बहुत बड़ा है। हम जब भी प्लांट्स लेकर आते हैं तो जैसे एक प्लांट से शुरुआत करते हैं, एक से दो, दो से चार, और इस तरह से हमारा शौक़ बढ़ता जाता है और हम अपने पूरे घर को, अपनी बालकनी को, टेरेस को बस यही सोचते हैं कि हम इनको पूरा प्लांट से भर दें। तो इस तरह से जब बहुत सारे प्लांट्स लगा लेते हैं फ्रेंड्स तो उनका वेट हमारे टेरेस पर, बालकनी पर बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है। तो सबसे पहले तो कोकोपीट काम आती है फ्रेंड्स उस वेट को कम करने के लिए। जब भी हम पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम उसमें एक पार्ट कोकोपीट का ऐड कर देते हैं तो हमारी जो सॉयल मिक्स होता है वो बहुत हल्का रहता है और हमारी टेरेस और बालकनी पर ज़्यादा वेट नहीं पड़ता है उसका। उसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी हम इसमें कोई प्लांट लगाते हैं, जो प्लांट्स की जो पतली पतली रूट्स होती है फ्रेंड्स, देखिए अगर हम अकेले मिट्टी में खाद मिलाकर प्लांट को लगा देते हैं तो जो प्लांट, जो मिट्टी होती है ना गमले की, वो रूट्स को बिल्कुल जकड़ लेती है, जिसकी वजह से रूट्स अच्छे से नहीं फैल पाती हैं प्लांटर में और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स जो
कोकोपीट अगर हम मिक्स कर देते हैं तो हमारा जो सॉयल मिक्स होता है बहुत वेल रेंड, वेल रिच और बहुत पोरस मिट्टी तैयार होती है, जिसमें हमारे प्लांट्स की रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप करती हैं और हमारा प्लांट्स भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ये हो गया कोकोपीट का फ़ायदा फ्रेंड्स। उसके अलावा आप इसको सीड जर्मिनेशन के लिए भी अगर यूज़ करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। मैं जब भी सीड्स लगाती हूँ फ्रेंड्स, मैं उसके लिए तीन चीज़ों का यूज़ करती हूँ। देखिए, मैं एक पार्ट कोकोपीट लेती हूँ, एक पार्ट मैं इसमें मिट्टी मिक्स करती हूँ और एक पार्ट मैं उसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स करती हूँ, और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके ही मैं सीड्स जर्मिनेट करती हूँ। और इसी में मुझे सीड्स जर्मिनेट करने का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और मेरे सारे सीड्स बहुत अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, टब में जो नीचे का बचा हुआ पार्ट होता है कोकोपीट का, क्योंकि टब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बड़े बर्तन में, तो इसलिए मैंने उसको बकेट में निकाल लिया था नीचे वाले पार्ट को, और अभी बकेट में से इस तरह से निकाल निकाल कर मैं उसको टब में डालती रहूँगी। तो यहाँ पर होती है फ्रेंड्स असली मेहनत शुरू, क्योंकि देखिए ऊपर ऊपर का जो पार्ट होता है कोकोपीट का वो तो बहुत अच्छे से हम निकाल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जैसे जो इसका बिल्कुल नीचे का हल्का पार्ट रह जाता है उसको इस तरह से हमें छलनी वलनी की मदद से फ्रेंड्स करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मेहनत का काम है, बट फ्रेंड्स तो सेविंग भी हो जाती है, क्योंकि अगर आप लूज़ फॉर्म में लाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया नर्सरी से बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोकोपीट मिल जाती है ब्रिक से इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इसके फ़ायदों के बारे में मैंने आपको बताया, साथ में लिमिटेशंस जो होती है फ्रेंड्स इसकी, वो होती है कि एक तो देखिए थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, मिट्टी तो हमें कहीं से भी इजीली अवेलेबल हो जाती है कम पैसों में, या नर्सरी से भी हम लेकर आते हैं तो थोड़े बहुत पैसे देकर बहुत ज़्यादा मिट्टी मिल जाती है, लेकिन कोकोपीट थोड़ी सी कॉस्टली, मिट्टी के कंपेरिजन में थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाता है कोकोपीट से गार्डनिंग करना, क्योंकि अगर आप सॉयल लेस पोटिंग मिक्स रेडी करते हैं जिसमें मिट्टी का यूज़ नहीं किया जाता तो उसमें बहुत सारी कोकोपीट यूज़ हो जाती है और वो थोड़ा सा हमें कॉस्टली ज़्यादा पड़ जाता है। तो इस तरह से देखिए हम छान कर रख लेते हैं, और नमक की एक आध डली अगर आपको इस तरह से दिखती है तो आप उसको निकाल कर अलग कर सकते हैं, और साथ में इसका नमक का कंटेंट निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर इसमें नमक का कंटेंट बच जाता है तो ये हमारे प्लांट्स में फ़ायदे की जगह नुकसान कर सकती है, तो इसलिए हमें नमक के कंटेंट को अच्छे से इसमें से रिमूव कर देना चाहिए। एक कोकोपीट की जो कमी होती है फ्रेंड्स वो ये भी होती है कि ये जो सॉयल मिक्स रेडी होता है इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो कोकोपीट होती है वो बिल्कुल सॉयल मिक्स के तौर पर तो काम करती है बट इसमें न्यूट्रिशन कोई नहीं होता है। तो अगर आप अपने प्लांट्स में कोकोपीट यूज़ करते हैं तो आपको रेगुलरली अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा ताकि उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे, क्योंकि कोकोपीट में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। और इसको भी आप एक लिमिटेशन मान सकते हैं फ्रेंड्स कि इसको आपको तैयार करने के लिए, अगर आप स्पेशली ब्रिक फॉर्म में लेते हैं तो तैयार करने के लिए इसको आपको स्पेशल टाइम चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। देखिए थोड़ा सा मेहनत का काम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, काम यहीं पर ख़त्म नहीं होता है फ्रेंड्स। इसमें अभी जो ये लास्ट वाला पार्ट बचा है इसमें हम अभी हाफ बकेट पानी और लगेगा, बस ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए मैंने आपके सामने हाफ बकेट पानी ही डाला है, और इसको फिर से मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि ये पानी ठंडा हो जाए और मैं इजीली अपना काम कर पाऊँ। तो देखिए कुल मिलाकर इसमें लगभग 3-3.5 बाल्टी पानी लगा होगा, और उसको भी मैंने निचोड़ कर देखिए इस तरह से धूप में सुखा लिया है, और ये अभी पूरी तरह से सूखी नहीं है फ्रेंड्स, बट हमारे यहाँ पर बारिश का मौसम हो रहा है तो गीली ना हो जाए इसकी वजह से मैं इसको अभी यहाँ से पूरा इकट्ठा करके एक बैग में भर के रख लूँगी ताकि ये दोबारा से गीली ना हो जाए। तो अभी ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल कितनी हल्की होती है, और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके गार्डनिंग में, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर हम थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करते हैं तो बस ये हमें फ़ायदे ही फ़ायदे देती है।
तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे कोकोपीट को गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स कंपोस्टिंग के लिए। जब भी हम प्लास्टिक की बकेट में कंपोस्टिंग करते हैं तो नीचे अगर हम इस तरह से एक लेयर कोकोपीट की बिछा देते हैं फ्रेंड्स, तो हम इसमें जो हमारा गीला कचरा डालते हैं तो उसमें से जो पानी निकलता है फ्रेंड्स, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें कीड़े वगैरह नहीं होते हैं। क्योंकि अक्सर जब भी हम कंपोस्टिंग करते हैं स्पेशली प्लास्टिक के बकेट में, तो कीड़े वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर हम उसमें थोड़ा सा कोकोपीट ऐड कर देते हैं, ड्राई कोकोपीट, तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। उसके अलावा एक और यूज़ देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप कोई नया प्लांट लगाते हैं तो इस तरह से प्लांटर के होल पर ठीकरी रखने के बाद अगर आप एक लेयर कोकोपीट की बिछा देते हैं तो फ्रेंड्स, हमारे प्लांटर का ड्रेनेज सिस्टम कभी भी ब्लॉक नहीं होता है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मिट्टी डाल देते हैं तो उससे कुछ टाइम के बाद उन होल्स पर मिट्टी जम जाती है और हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो प्लांटर का होता है वो ब्लॉक हो जाता है। बट अगर आप मिट्टी डालने से पहले एक लेयर कोकोपीट की बिछा देते हैं तो एक साल, दो साल, तीन साल कभी भी आपके प्लांटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। उसके अलावा जब भी आप मिट्टी तैयार करते हैं अपने प्लांट्स को लगाने के लिए, सॉयल मिक्स बनाते हैं, तो उसमें एक पार्ट कोकोपीट ऐड कर दीजिए। उसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ फ्रेंड्स। वो आपके प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसमें अच्छे से डेवलप होती हैं। उसके अलावा वो आपके जो गमले होते हैं उनको बहुत लाइट वेट बना देता है। और अगर आपको गार्डन में क्लीनिंग वगैरह भी करनी होती है तो गमलों को इधर से उधर शिफ्ट करना भी बहुत ईजी रहता है, क्योंकि गमले बहुत हल्के हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो कोकोपीट के बारे में, और उम्मीद है आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे फ्रेंड्स। उसके अलावा अगर आपका कोकोपीट के बारे में और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो मुझसे इस वीडियो में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो फ्रेंड्स, तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।